और मेरा मानना है कि ये परियोजना इस देश का सबसे बड़ा खुला घोटाला है। मतलब घोटाले होते हैं, छुपे छुपे होते हैं, पर ये सबसे बड़ा खुला घोटाला है। मैं इसको अभी आपको समझा देता हूँ। पहले परियोजना के बारे में, परियोजना खरगोन जिले में बन रही है, नर्मदा नदी पे बन रही है। 400 मेगावाट की ये परियोजना है, जिसमें 61 गांव के करीब 60,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस परियोजना के बारे में सन 1996 से नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा दो स्तर के बड़े मुद्दे उठाए गए। एक कि ये परियोजना की बिजली बहुत महंगी बनेगी और इसलिए ये परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खराब कर देगी, और नंबर दो कि इससे प्रभावित होने वाले 60,000 लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। परियोजना पर तमाम वित्तीय अनियमितताएं होती रही और इस परियोजना की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया MPSIDC द्वारा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डिफॉल्ट किया था। बिल्कुल डिफॉल्ट होने के कारण परियोजना की संपत्ति यहाँ जब्त रही। फिर से बार बार परियोजनाकर्ता को लाभ पहुंचाते हुए, पहले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, फिर उमा भारती के शासनकाल में, फिर बाबूलाल गौर के शासनकाल में, और उसके पश्चात शिवराज सिंह के शासनकाल में, लगातार इस परियोजनाकर्ता जो कि एस कुमार कंपनी है, जिसको एक निजीकरण के तहत दी गई है, लाभ पहुंचाते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। अंत में 2010 में परियोजना का काम ठप पड़ गया और अभी तक ठप रहा है। हाल ही में परियोजना में नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है और कल 31 तारीख को महेश्वर के बांध स्तर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें भोपाल से विद्युत मंडल के अधिकारी, दिल्ली के अधिकारी, तमाम वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारी पहुंच रहे हैं।